हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। कई दिन से मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो आज थोड़ा मेरी तबीयत सही लगी मुझे, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत व्लॉग बना लेती हूँ। और यहाँ पे अभी सुबह हमने नाश्ता कर लिया है और शिवानी कॉलेज जाने का तैयार हो गई है, क्योंकि आजकल वो 11 बजे जा रही है और उसके बाद अर्धिका का भी टाइम हो गया था 11:30 बजे उसको लेने जाने के लिए। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ उसको लेने, और उसको लेकर अभी आ जाऊँगी मैं स्कूल से। आ गई हूँ। मम्मी है, मम्मी की तबीयत आज कैसी है? नॉट वेल? पूरी तरह वेल नहीं है। ओके मम्मी, और ये देखिए मैंने खाने में अपना नाम लिख दिया है, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा। देखिए तो गाइस, अर्धिका का टूटा था कल दांत, दिखा अर्धिका आखिर। और ये देखिए, ये स्कूल लेके जा रही थी दांत को इस पॉलिथीन इस रैपर में रैप करके। और पता है मैंने क्या किया? मैंने एग्जाम कर रही थी, ऐसे जैसे मैं हिंदी एग्जाम लिख रही कि राम जी के नहीं, हाँ सीता जी को वन में छोड़ने का ये लिया। उसके बाद मैंने सोचा इसको निकाल देती हूँ, फिर मैंने निकाला, मैंने खोला उसको, फिर मैंने ऐसे किया और मैंने ऑटो को ऐसे, और मैंने अपने ऑटो बोला बट समृद्धि मारवा, देख देख मेरा दांत टूट गया। उसके बाद वो मेरे को मैम के पास ले गई और मैम ने एक पेपर दिया मेरे को, उसमें मैंने रैप किया इसे, फिर मैं घर आ गई। झूठ मत बोल अर्धिका, ऐसा ही हुआ। क्यों तो वहाँ पे तो मैम देखती ना कि खून कहाँ है, खून तो कल निकला था, आज थोड़ी ना निकला। मैम ने देखा ही नहीं। तो ये स्कूल लेके गई थी अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, उनसे प्रैंक करने के लिए। हाँ हाँ। पर इसे पता नहीं है कि सबको सब पता होता है, किसी को कुछ नहीं। तो ये अपने दांत लेके, मैंने ऐसे बोला था बाहर फेंक दे इसको, और ये स्कूल लेके जा रखी थी दांत। चलो फेंक दे उसको और कपड़े चेंज करो, नाश्ता करो। कहाँ फेंकना है? बाहर। बाहर कहाँ? छत पे। छत पे क्या? ऐसे बोलना कौवा कौवा मेरा, नहीं नहीं नहीं, चूहा 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 चूहा, पुराना दांत ले जा और नया दांत दे जा। हाँ तो जा, बोल दे कमरे के अंदर जाना है, डालना है। जा जा जल्दी जल्दी, मैं कपड़े निकाल रही हूँ, जल्दी आना ठीक है। तो ये है अर्धिका की थाली। लो अर्धिका एंजॉय। अर्धिका सब्जी देख रही थी, क्या पसंद नहीं आ रही? पसंद नहीं आ रही कोई भी सब्जी अर्धिका? नो। क्यों? और अमू वाले एक साल से गोभी खा रही। कल रात क्या खाया था अमू? रात तो मैंने मैगी खाई थी, पर एक साल से सुबह कल हमने बनाया क्या था ये बता? बनाया तो अंडा कड़ी था ना। हाँ। परसों के खाया था अमू? क्या खाया था बता? क्या खाया था? मेथी के पराठे खाया था। हाँ, पर उसके पहले क्या खाया था अमू? आलू के पराठे। पर उससे पहले क्या खाया था अमू? भिंडी। उससे पहले क्या खाया था अमू? क्या खाया था उससे पहले? उस दिन गोभी खाई थी अपने। पत्ता गोभी। गोभी थी वो। हाँ तो बस, अब दोबारा मत बोलना कि एक साल से वही खा रही है। इसके पहले। चल भाग यहाँ से। चल भाग यहाँ से। उसके पहले हमने पत्ता गोभी खाई थी, तब हम निकल निकल बोल रहे पत्ता गोभी खाई थी। क्या बना रही हूँ? मुझे नाम भी नहीं पता कि मैं क्या बना रही हूँ। गाइस मैं बना रही हूँ, ये मामी ने पीस के दिया था, ये भट है सफेद वाले भट, और ये है काले वाले भट, क्योंकि ये मुझे पूरा नहीं लग रहा है इसलिए मैं इसको भी वो कर रही हूँ। प्यार दिखा देख रही अपना फेवरेट कार्टून, अपना क्या चाहिए? एक रोटी। अभी तो बोल रही थी इतने दिन से यही बन रहा है, अब एक रोटी और चाहिए। तीन रोटी खाएगी? अच्छा अब कुछ नहीं मिलेगा, तूने मुंह का बोला था नहीं मिलेगा अब। तो सुनो पहले वो तो खा ले, तब क्या पता भूख ना लगे, अभी तो एक रोटी ऑलरेडी है ना। सिर्फ पागल वाली हरकतें मत कर। हाँ तो मैं दे दूंगी तुझे, पहले ये खा लो। तो यहाँ पे अध्ययन भी आ गया है स्कूल से। अध्ययन मुझे बता रहा था कि आज स्कूल में मैम ने उसको टॉफ़ी दी है और क्या क्या हुआ स्कूल में, तो मेरे को सब बता रहा था। तो और यहाँ पे मैं उसको ले आई हूँ उसको कपड़े चेंज करने के लिए, साथ साथ मैंने कहा कपड़े भी चेंज हो जाएंगे,
और खाना बना के मैं आ गई थी बाहर। बाहर मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बारिश आने वाली है, और हमारी खेत में जो है मेथी बड़ी बड़ी हो गई थी, तो दादी यहाँ पे मेथी काट रही है कि सब्जी बना लेंगे। और अंदर आके मैंने यहाँ पे बेडशीट बिछाई फटाफट करके कि अब खाना खा के सब आराम करेंगे, तो उससे पहले मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा देती हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। यहाँ पे आ गया पार्सल, यहाँ पे आया है पार्सल, तो चलिए से अनबॉक्स करते हैं, जल्दी खोलो जल्दी। यहाँ पर अर्धी का एक पार्सल ले आई थी, पार्सल वाला आया था पार्सल लेकर, तो और इसमें था, हमने मंगवाया था स्वेटरों में बुग्गी आ जाती हैं तो वो हटाने के लिए, तो हम देख रहे थे कि ये कैसा आया, कहीं से डैमेज तो नहीं है, कहीं से कहीं टूटा वूटा फूटा तो नहीं है। फिर हमने इसको यूज़ करके देखने का सोचा कि हम इसको एक बार यूज़ करके भी देखते हैं कि ठीक है कि नहीं। मैडम स्वेटर पे भी बुग्गी आ रही, तब क्या होगा? ऐसा कुछ बुग्गी नहीं है भाई, अरे ब्लैक है वो, दिखाई नहीं दे रहा। तो हमने एक बार ट्राई करने की सोची, तो हमने स्वेटर लेकर आई, इसमें बहुत बुग्गियाँ थी, हालांकि देखने में लग नहीं रहा है क्योंकि ये ब्लैक कलर है, पर इसमें बहुत बुग्गियाँ थी। तब अर्धी करने का मुझे यूज़ करना है तो मैंने बोला चल कर ले, तो देखिए इसमें से कितनी बुग्गियाँ निकल कर आ गई हैं, तो ये बहुत यूज़फुल लगा मुझे। तो आप लोग भी ऐसा मंगवा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है ताकि स्वेटर जो है एकदम नई लगे, रोएँ वगैरह आ जाते हैं स्वेटर। भट्ट की छुटकानी नहीं खानी है, तो मैं इसे बोल रही हूँ भट्ट की नहीं है, रावत की छुटकानी है, क्योंकि तो रावत ने बनाई है तो भट्ट की नहीं है, रावत की। किसकी पलेगा? वैसे भी खाना क्या है, तीन रोटी तो खाई ली तूने नाश्ते, अब भी तो खाई तूने, पेट भरा हुआ तेरे, उसके बाद तूने क्या क्या नहीं खा लिया? फ्रेंड्स ये देखो, अरे मेरा मुंह मत दिखा, नहीं देखो, व्हाट इज दिस? तो गाइस यहाँ पे अध्ययन सो गया था दिन में खाना वाना खा के, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।